कर्नाटक जो पिछड़ा हुआ इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाके के वजह से कल्याण कर्नाटक प्रदेश को जो है ना स्पेशल डेवलपमेंट बनाया गया है। तकरीबन 10 साल हुआ, उससे पहले जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का एक प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता था ये। अब जो है ना ये कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड जो है ना ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट बोर्ड है। ये डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक हमारे प्रदेश जो कल्याण कर्नाटक का बीदर, गुलबर्ग, रायचूर, कोप्पड़, यादगिर, बल्लारी जो 7 डिस्ट्रिक्ट का जो प्रदेश है, इस प्रदेश का प्रगति जो है ना एक टाइम बोर्ड के मुताबिक होना और ये हमारे प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, इलाके के डेवलपमेंट के लिए एक टाइम बोर्ड प्रोग्राम जो है ना कल्याण कर्नाटक के लिए जो है ना एक साइंटिफिक एक्शन प्लान जो है ना स्टेट गवर्नमेंट जो है ना डायरेक्शन देना बोलकर कैबिनेट को जो है ना हम जो है ना हम मुताबला करते हैं। उसी के साथ साथ कल्याण कर्नाटक को जो 371 का जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है, जो हमारा संविधान का विशेष स्थानमान बोलते हैं हिंदी में, संविधान का जो विशेष स्थानमान मिला है 371 का, विशेष स्थानमान के अनुसार हमारे इस प्रदेश को एक प्रत्येक सचिवालय होना चाहिए, एक अलग जो है ना मिनिस्ट्री कायम करना बोलकर मैं जो है ना हमारे मुख्यमंत्री को जो है ना आग्रह करता हूँ। साथ ही साथ कल्याण कर्नाटक के जो सभी जो है ना सिंचाई है, पीडब्ल्यू है, रोड है, तमाम जो है ना डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंटों का डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा टाइम बाउंड प्रोग्राम होना और कल्याण कर्नाटक का जो है ना रिच हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री को जो है ना हम आगे लाना है और कल्याण कर्नाटक डे जो मनाते हैं, जब पहले जो बोलते थे हम जो है ना लिबरेशन डे बोलकर, अब जो है ना कल्याण कर्नाटक उत्सव दिनाचरण बोलकर बोलते हैं। कल्याण कर्नाटक उत्सव दिनाचरण बोलते हो, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब भी आता है और यहाँ पर जो है ना मौर्य, शातवान और जो है ना राष्ट्रकूटा, चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और जो है ना कलचूरी अरसा, हमारे बसवेश्वर के नेतृत्व में जो सामाजिक क्रांति हुआ, जगत को हम पार्लियामेंट दिए, साथ ही साथ जो है ना आगे भोमनी का जो है ना यहाँ पर शासन हुआ, उसके साथ जो है ना बाद में मुगल का शासन हुआ, उसके बाद जो है ना आसफ जाही का शासन हुआ और उस दौरान जो है ना हमारे साथ जो है ना बादशाह थे मीर कमरुद्दीन अली खान से लेकर उस्मान अली खान तक, जो आसफ जाही के ज़माने में 225 साल का जो डेवलपमेंट हुआ, उस सिलसिले में भी जो है ना ये उत्सव के संदर्भ में चर्चा होना। साथ ही साथ जो है ना हम भारत में जब शामिल हो रहे थे उस टाइम में जो है ना कासिम रजी की वजह से 1 साल 1 महीना 2 दिन लेट हुआ, उसके बारे में भी जो है ना जिक्र होना। सरदार पटेल का जो है ना नेतृत्व में जो है ना यहाँ पर जो है ना ऑपरेशन पोलो होकर हमारा हैदराबाद इलाका भारत देश में शामिल हुआ, उसके बारे में भी जो है ना डिस्कशन हुआ। टोटली हैदराबाद कर्नाटक उत्सव दिन जो है ना हमारा सभी लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सभी लोगों का ये जो है ना एक ईद के माफिक मनाया जाना बोलकर मैं जो है ना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ। सर, 17 को कैबिनेट होने जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? 17 का कैबिनेट जो है ना एक जो है ना हिस्टोरिक कैबिनेट के तौर पर हम जो है ना मानते हैं। क्यों हिस्टोरिक बोलकर मैं वहाँ पर बोलना था नहीं बोला, क्योंकि 17 सितंबर ही हिस्टोरिक डे है। हम 15 अगस्त को हिंदुस्तान में शामिल नहीं हुए, ये हकीकत है। 17 सितंबर 1948 को हिंदुस्तान में शामिल हो गए, इसलिए वो हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल डे के दिन, ऐतिहासिक दिन के जो दिन है, उस दिन जो यहाँ पर जो ना कैबिनेट मीटिंग हो रहा है, उस कैबिनेट को जो है ना मुख्यमंत्री और हमारे प्रियंका खड़गे जी जो है ना हिस्टोरिकल डे के रूप में देकर हिस्टोरिकल डिसीजन लेना, डेवलपमेंट के विषय में लो और जो ना तारीख के विषयों के लो और यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ का टूरिज्म है, इसको बढ़ावा देने के विषय में, ये तमाम चीज़ों को जो है ना वो सामने रखकर बीदर से लेकर, बीदर का अनुभव मंडप से लेकर, बीदर के किले से लेकर, गुलबर्गा का ख्वाजा बंदे नवाज और जमा मस्जिद से लेकर गाणगापुर दत्तात्रेय है और साथ ही साथ हमारे कलबुर्गी का जो है ना शरण बसवेश्वर ख्वाजा बंदे नवाज, जो हमारे जो गंगा जमुना तहजीब है, हाँ सूफी और संत का, साथ ही साथ रायचूर है, कोप्पड़ है, अंजनाद्री तक जो है ना हमारा जो कल्चर है, हजारों जो है ना टूरिज्म प्लेसेस है, इसका डेवलप करने से
लाखों जो है ना हम नौकरियां जो है ना क्रिएट कर सकते। इस सिलसिले में भी जो है ना हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर जो शरण प्रकाश जी है, प्रियंक खड़गे जी है, करंडी साहब, उनके नज़र में लाना, और कल्याण कर्नाटक में जो है ना हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुला रहे, क्यों नहीं आते? यहाँ पर धूप ज़्यादा है, धूप कम करने के लिए क्या ले, ग्रीन कॉरिडोर का जो प्लान लाना बहुत जरूरी है। ग्रीन कॉरिडोर जो है ना हम इम्प्लीमेंट करते हूँ बोलकर जो है ना हमारे जो है ना अरण्य सचिव बोलते हैं ना, फॉरेस्ट मिनिस्टर जनाब जो है ना ईश्वर खंडे साहब, ऑलरेडी वो डिक्लेयर करे, उसके मुताबिक जो है ना एक पॉलिसी बनाकर टाइम बाउंड के मुताबिक जो है ना ग्रीन कॉरिडोर बीदर से लेकर विजयनगर तक बनाकर जो है ना यहाँ पर जो है ना मौसम ठंडा करे तो बाहर के लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करते, फैक्ट्रियाँ जो है ना यहाँ पर स्थापना करते, यहाँ पर नौकरी क्रिएट होते। इसलिए इस चीज़ों को ज़्यादा महत्व देकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे साथ जो मिनिस्टर्स है उन लोगों को मैं विनती करता हूँ इस कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के विषयों को लेकर निर्णय करना और अनुष्ठान करना बोलकर मैं आग्रह करता हूँ। मदलिगे नाव सेप्टेंबर 17 कैबिनेट नम्म गुलबर्गदल्ली इट्कोंडिद्दक्कागि नम्म कर्नाटक सरकारक्के मत्तु अत्तंदंत प्रियंका खर्गे अवरिगू नावु धन्यवाद हेळ्तेवि। अवत्तिन दिवस नावु 17 सेप्टेंबर ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ಬಗ್ಗೆ ಜೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ। 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಪರಿಪೂರ್ಣ, 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿಗೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಕೊಮ್ಮನವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗುರುಜಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಸಚಿವರಿಗೂ ಈ ಭಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ।